ए बीरना हमरे उबरा पदे धोतिया के उभे गदनाई सरपति मोनि आयल पंचम पारथ भी बन गई बेचारो आन के हाथ में अपन ना रिवु घारी लखे चट गए नहीं तारो ऐसे में जाऊं मिस रही वाह में पति देवत पाप भैन उतारो इकी मति ना जन लय हमरो मछरी मर लय पौन में हरारो। भारत राष्ट्र का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री वह भी अपना कार्यक्रम नहीं कर पा रहा है और बीच रास्ते से वापस जाना पड़ रहा है। आतंक के साये में शोर तबा आतंक के साये में जागत प्राणी आतंक के साये में भोजन बा और आतंक के साये के निर्दीय तबा हमारी धर्म की राजधानी अयोध्या को भी उड़ाने की जहाँ धमकी दी जाती है। मानवता का चीरहरण जब दुष्ट शासन किया करते हैं भारत में महाभारत की असाधारण खेल हुआ करते हैं। सुंदर पुष्पों को चरणों में चढ़ाने आए हैं। हम सभी इस श्रद्धांजलि सभा में अपने भावों के सुंदर पुष्पों को स्वर्गीय श्री प्रकाश राज के श्रद्धांजलि सभा में उनके श्री चरणों में चढ़ाने आए हुए हैं। इस श्रद्धांजलि मंडप के समक्ष दो लोग भी देर से उपस्थित हुए हैं, आदरणीय मंगला चाचा जी श्री सतीश सिंह जी, श्री दीनानाथ सिंह जी, श्री सत्यनारायण प्रधान जी, सुरेंद्र चाचा जी, जो लोग भी उपस्थित हुए जिनका मैं नाम जानता हूँ और जिनका नहीं जानता हूँ, अज्ञानतावश अल्पज्ञतावश सभी से क्षमा प्रार्थना के साथ विद्यालय परिवार की तरफ से और इस परिवार की तरफ से इस श्रद्धांजलि सभा में सभी आगत सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। भावों के सुंदर पुष्पों को चरणों में चढ़ाने आए हैं, श्रद्धा का सुमन अर्पित करके हम शीश झुकाने आए हैं। अनुपम थे अंशु उषा की तुम, हम है रजनी के अंधकार, अविरल धारा गम गा की तुम, मैं हूँ नालों का लघु कगार, तेरे चरणों के पावन रज मस्तक से लगाने आए हैं, श्रद्धा का सुमन अर्पित करके हम शीश झुकाने आए हैं। भावों के सुंदर पुष्पों को चरणों में चढ़ाने आए हैं। आप सभी का सद्भाव पुष्प निवेदित करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री प्रकाश चाचा का एक और स्वरूप था, उनको लोग बैठक पास करते थे, बाजार में बैठ जाना, कहीं भी सामाजिक कार्यों में बैठ जाना और जहां बैठते थे वहां चाचा का साठ का स्वरूप वैसे ही बैठ जाते थे। उसी संगत के साथी और इस परिवार से सदैव स्नेह रखने वाले कुंवर सिंह विद्यालय परिवार के छात्र भी रह चुके हैं और अपने गांव के कई बार सम्मानित प्रधान भी रह चुके हैं, बहुत ही ओजस्वी बाड़ी के भरी, बहुत ही उत्सुकतावान और सामाजिक उत्तरदायित्व का बढ़ चढ़ कर निर्वहन करने वाले श्री संत नारायण यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं सुल्तानीपुर से। यह सदैव बड़ी ही ऊर्जा के साथ इन सभी लोगों के साथ हमेशा बैठा करते थे, लंबी लंबी बैठकी चला करती थी। दीना चाचा की पत्थर ने कितनी चाय कई राउंड चाय खत्म हो जाती थी दिन भर में, लेकिन आप सभी की बैठकी खत्म नहीं होती थी। ऐसे ही संगत के साथ ही श्री सत्यनारायण यादव प्रधान जी सुल्तानीपुर से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और श्री प्रकाश चाचा के श्री चरणों में अपना शब्द पुष्प निवेदित करते हुए अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि निवेदित करें श्री सत्यनारायण जी। हम सभी प्रेमागम मैं आपकी
स्वर्गीय सुखराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जा रहा है। हमारे साथ चाचा जी बहुत 2002 से आप सब कुछ कर डाले हैं उनके ऊपर, हर क्षेत्र के माहिर थे और हर बिरादरी के सुख और दुख में शरीक हुआ करते थे और शिक्षा दीक्षा के मुताबिक बहुत आगे थे। हर संभव प्रयास किया करते थे कि बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान हो, इन प्रकार बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो। जो बाजार आपको दिखाई दे रही है 101% आपका योगदान है। यहाँ के लोग कितने लोगों का जो पद चल रहा है, कितने लोग से जी रहे थे, कभी अपने लिए सोचे ही हमेशा दूसरों की। आपके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, जैसा आपने बताया कि वह छंदों के बड़े ही शौकीन थे और जिस तरह के आतंक का साया इस समय हमारे देश पर चल रहा है, भारत राष्ट्र का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री वो अभी अपना कार्यक्रम नहीं कर पा रहा है और बीच रास्ते से वापस जाना पड़ रहा है, ऐसी अवस्था में कहना चाहूंगा आदरणीय श्री प्रकाश सिंह जी का ही छंद कि आतंक के साय में सो अथवा आतंक के साय में जागृत कराने, आतंक के साय में सो अथवा आतंक के साय में जागृत प्राणी, आतंक के साय में भोजन बा और आतंक के साय में पीयत पानी, आतंक के साय में भोजन बा, आतंक के साय में पीयत पानी, आतंक के साय में राम रहीम, आतंक के साय में राम रहीम, आतंक के साय में होली कुर्बानी, आतंक के साय में राजा धसा और आतंक के साय में बारा चढ़ानी। हमारी धर्म की राजधानी अयोध्या को भी उड़ाने की जहां धमकी दी जाती है इस संपूर्ण हिंदू राष्ट्र में, उसके लिए घर परिवार संत जन की दुखिया मुखिया, घर परिवार संत जन की दुखिया मुखिया सभी की कहानी कैसे कहूं कही जात नहीं, आतंक के जीवन में जियत प्राणी, आतंक के जीवन में जियत प्राणी। अपने सही याद दिलाया उनकी कुछ पंक्तियों के माध्यम से ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना। मानवता का चीरहरण जब दुष्ट शासन किया करते हैं, मानवता का चीरहरण जब दुष्ट दुशासन किया करते हैं, भारत में महाभारत की असाधारण खेल हुआ करते हैं, आई बहू ध्यान दीजिएगा, घर के अंदर से भी ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आई बहू बन के रघुवंश में कह गई धन्य कहानी हो माई, आई बहू बन के रघुवंश में कह गई धन्य कहानी हो माई, संकट तू कितनो झेललू रघुवंश ध्वजा देहलू फहराई, रघुवंश ध्वजा देहलू फहराई। इसी संस्मरण के साथ मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूं इस सभा की गरिमामय अध्यक्षता कर रहे उनके साधु संगत कथाकार संगत के साथी और इस गांव के प्रतिष्ठित नागरिक आदरणीय श्री जगदीश सजा जी को कि आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन करें। आदरणीय श्री जगदीश जी, बंधु में कोई खुदमुटा हो गई क्या, मैं भात नहीं खाऊंगा, मैं जान लूंगा, उस जान को वो बहन करके अपने पास से बहन करके दोनों में समझौता करा देते थे, ऐसे उदार चरित्र के व्यक्ति थे और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। एक बार हम लोग गुरादेवी पर इस महाराज जी के पहले जो वो महाराज जगन्नाथ दास जी थे तो हम लोग वहाँ बैठे थे, श्री प्रकाश भाई भी थे, तो वहाँ हम लोगों ने पूछा कि महाराज जी आपकी अवस्था इस समय क्या होते होगी,
तो उन्होंने बताया कि बेटा इस समय हमारी अवस्था 108 वर्ष की है। तो हम लोगों ने कहा कि अरे सरकार बहुत उम्र हो गई आपकी। तो उन्होंने कहा कि क्या बेटा इससे बड़ी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हो क्या कि मैं बहुत दिन तक जी गया, इसमें क्या आपको बड़ी प्रसन्नता हो रही है? अरे प्रसन्नता इस बात पर होनी चाहिए कि कितना आपने काम किया और कितना कम समय में काम कर दिया। तो काम करने की बहादुरी है, ज्यादा जीने की बहादुरी नहीं है। उन्होंने जो काम किया समाज में वह दर्शन के लायक है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, न उनकी पूर्ति हम लोग समाज में कर सकते हैं। यह एक से व्यक्ति के चरित्र थे। हर क्षेत्र में चाहे वो पंचायत होती थी, हर लोगों की प्रयास करते थे कि किसी तरीके से यह मामला सुलग जाए। गोल पर करके, पैसा दे करके, समझा करके, बुझा करके, कथा कर करके, किसी तरह से वो आगे बढ़ने नहीं देते थे। ऐसे चरित्रवान व्यक्ति थे। एक बार कृष्ण भगवान से अर्जुन महाराज पूछ रहे हैं कि क्या प्रभु मैं आपकी प्राप्ति के लिए यत्न कर रहा था और कदाचित किसी कार्यवश आपकी प्राप्ति भी नहीं मुझे हुई और संसार का सुख भी नहीं लिया, तो मेरा क्या किया हुआ कर्म सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा? तो कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, किया हुआ कर्म संचित रहता है, वह अवश्य मेव भोगतव्यम निज कृत कर्म सुभाव शुभम। यह किया हुआ कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। तो यह जो हमारा यह शरीर नवान ग्रहण यथा विहाय, जैसे पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण किया जाता है, उसी तरीके से जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, कब है यह कोई बता नहीं सकता। इसलिए जब वह पुरुष दूसरे जन्म में जाकर के जन्म लेता है तो वह पुरुष पहले के किए हुए अभ्यास के बल से वह परमात्मा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न करने के लिए प्रेरित किया जाता है और उससे बढ़कर प्रयत्न करता है, किसी श्रीमान पुरुष के जन्म की जान करके जन्म लेता है। तो वह निश्चित रूप से किसी श्रीमान पुरुष घर में जाकर के जन्म लेंगे और फिर भगवान की प्राप्ति के लिए वह निश्चित रूप से यत्न करते रहेंगे। आज समय नहीं है कि मैं कुछ कथा कह सकूं, लेकिन मुझे मन में यह अभिलाषा आ रही है कि यह जो एक छंद जो है द्रौपदी के बारे में, मैं मेरे सामने ये बैठे हैं आज, उनकी आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन वो द्रौपदी का चरित्र बड़े सुंदर ढंग से कहते थे। उतना सुंदर ढंग से तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जितना सुंदर ढंग से वो कहते थे तो उनको मैं तो सुनाना चाहता हूं। एक बार द्रौपदी जा रही थी अपने सखियों के साथ और वह वहां दुर्योधन ऐसा बना गया था कि जल और थल का ये पता नहीं लगता था, वहां दुर्योधन गिर गया। आगे बात विस्तार रूप से नहीं कहना चाहता हूं कि बार बार आग्रह हो रहा है कि बंद कर दीजिए। तो जा रही थी तो उसने दुर्योधन जब गिर गया तो द्रौपदी ने यही बात कह दिया उसकी सखी ने कि अरे भाई ये आदमी इतने स्थान में गिर गया, क्या इसको दिखाई नहीं देता है, अंधा है क्या? लेकिन द्रौपदी ने कहा कि भाई यही अंधा नहीं है, इसका बाप भी अंधा है। यह बात दुर्योधन को बहुत खली और ऐसा चक्रव्यूह लगाया और जुआ के खेल में चारों भाई पांचों भाई सब लोग हार गए। अंत में द्वार में दांव पर द्रौपदी को लगा दिए। द्रौपदी को भी जब हार गए तो उस समय दुशासन को ललकारते हुए दुर्योधन कहा कि आज के द्रौपदी को नंगी कर दूंगा, और सभा में बुला करके और द्रौपदी से कहा कि जिसको तुम बुलाना चाहते हो अपनी मदद के लिए बुला लो। और उसने कहा कि सालती भाई बतिया ही अरा बीजे
सालती भाई बतिया ही अरा बीजे इबे सोहा मुख देहल सिगारे यान हर गैया नरा कहले हसाई ठठाई बजौल सिताले ई बदला हम आज चुकई मैं आयली भाटी हमारो अपारे बीच सभा में उघार करन एकर जे यव होख उआवे गुहारे। जो इसकी मदद करना चाहता है आ जाए, मैं इसको इसी सभा में नंगी करूंगा। जो अपनी चार तरफ सभा में खड़ी होकर के ताक रही है किसी की तरफ, पांचों पतियों की तरफ ताक रही है, लेकिन पति इसके ओर नहीं ताक रहे हैं। उसने कहा और द्रौपदी कह रही है कि आंख मोच मुड़े रत आखी तरे रत यही पापी के देवो निरेखत नाही जाकत है हमरे ओरिया एक रे ओरिया के हुछे गत नाही सासु खड़ी देवरानी खड़ी इजठानी खड़ी के हु बोलत नाही हे बीरना हमरे उपरा पट हे धोतिया के हु फेंकत नाही चारपति मोणि आयल पंचम पारथ भी बन गई है बेचारो आने के हाथ में अपन ना रिव घारी लगे चट गए नहीं तारो ऐसे में जाऊं मिस रही वाह में पति देवत पाप भय उतारो इकीमत न जन लय हमरो मछरी मर लय पौन में हरारो कि तुलसी मीठे बचन से तुलसी मीठे बचन से सुख उपजे चहुर बसी करन एक मंत्र है तज दे बचन कठोर तुलसी हे जग आय के कर लीजे दो काम देने को दुगा भला लेने को हरिनाम। इस वाणी पर सरस्वती का वास होता है। हम इस वाणी के द्वारा शत्रु को मित्र बना सकते हैं और मित्र को शत्रु बना सकते हैं। वाणी के अंदर इतनी बड़ा तेज है, इतना बड़ी ताकत उसके पास है।